ये मालेगांव की बस कब आएगी? पता नहीं भाई, कोई बता ही नहीं रहा। भैया जरा हाँ सर, कहाँ? पहला मिशन खत्म, दूसरे पे हूँ। सर क्या बात है, तुम्हें पता है तुम सबकी ना प्रॉब्लम ही ये है, तुम लोग सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। अरे चक्री घुमाना आना चाहिए बस। ये तो बात है सर, आप तो कमाल हो, लाजवाब। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। और सुन, ध्यान से मनोज के पास चले जाना। और हाँ, पेपर्स ले जाना। अच्छा। मैंने उस खजूर को पूरी तरह से बोतल में उतार लिया है, उसे बोलना सर साइन कर दो, रजिस्ट्रेशन आज ही होना चाहिए बोले तो, समझा? हाँ, इधर उसे साइन किया और अपना मीटर चालू। कमाल की टोपी पहनाते हो सर। इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग बेवकूफ होते हैं, बस बनाने वाला आना चाहिए। अब तो देख, मैं जा रहा हूँ उस रक्षंदा टेक्सटाइल वाले के पास। गावटी है गावटी, पर माल बहुत है और दिमाग बिल्कुल नहीं। अभी तो देख, उसके पास जाके ये 10 लाख दे के ना 50 लाख छीन लूंगा। चल फोन रखता हूँ। क्यों? अबे रेगिस्तान में हरियाली नजर आ रही है। अब इतना पैसा कमाया है तो खर्च भी तो करना है। क्या चीज, कट पीस। कहाँ मर गई थी इतनी देर से? हम क्या करें, वही इतना टाइम ले रहे थे। अभी बस आ जाती तो खड़ी रहती यहीं पे। आई तो नहीं ना। देखो इसको, चल बैठ वहां पे, चल बैठ। गांव से आ गई मुंह उठा के। जीजू हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चुप कर, बैठो यहाँ पे। अरे कब तक चुप रहेंगे आप, हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें 10 बार समझा चुके हैं, आखिरी बार सुन लो। भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया तसल्ली रखो। तसल्ली रखो, आप भी ना बड़े ही शरीफ बन रहे हैं, आखिर हमारा हक है वो, ऐसे कैसे जाने दे सकते हम, हैं? अरे हमें नहीं चाहिए उनका पैसा, उनकी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और कान खोल के तुम सुन लो, जैसे आज तक हम जीते आए वैसे ही जिएंगे, और तुमको भी वैसे ही जीना पड़ेगा। पर बंटवारा? अरे क्या बंटवारा लगाए पड़ी हो, बंटवारा तो आज हुआ है, उसके पहले भी तो जी रहे थे ना। मर गई थी क्या तुम उसके पहले? देखो बात तुम्हें बता रहे हैं, भैया से कुछ नहीं कह सकते, जो उनको रखना है उनको रखने दो, और हमें हमारे हक का देने वाला बैठा है, देख रहा है वो सब, वही देगा। बेचारा बहुत शरीफ है। देखो तुम हमारी बात, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। अरे लेकिन जी जी एक मिनट, जीजा जी आप ना कुछ ज्यादा ही सीधे बन रहे हैं, जमाना भी इतना सीधा नहीं रहा। भजिया खाओ, मुंह मत चलाओ पागलों की तरह। अरे पगला गई है तुम्हारी बहन। अरे पगला नहीं गई है, सही कह रही है, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं बताओ। देखना उनका ना कभी भला नहीं होगा, जो लोग दूसरों को ऐसे धोखा देते हैं ना वो कभी सुखी नहीं रहते, जिंदगी भर परेशान रहेंगे वो। अरे कहाँ परेशान रहेंगे, अभी तो हम ही परेशान हो रहे हैं, 4 घंटे से तो बस ही नहीं आई। पता करता हूँ, शायद इसके भाई को भी चूना लगा सकूं। वैसे भी मैडम पे दिल आ गया मेरा, बहुत हसीन चीज है। एक्सक्यूज मी, कहा है? माफ कीजिए, मैं आपकी बातें सुन रहा था। मुझे लगता है आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अपना सामान, अरे बाप, मुलांची काल जी क्या?
अरे यार, एक तो ये खोपड़ी खाए आप। भैया हमारा बहुत टेढ़ा आदमी है, आप चक्कर में मत फंसो। मेरा एक दोस्त वकील है, वो आपकी मदद करेगा। वो हमारी मदद काहे करेगा भाई? इंसानियत के नाते, आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? क्यों बाबूजी, आप जो कह बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, 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 आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। आपने हमारे लिए सोचा, इतना बहुत है, शुक्रिया। आप परेशान ना हो। लगता है ऐसे दाल नहीं गलेगी, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये लू कहाँ होगा? हैं? क्या हैं? लू पेशाब लगी है जोर से। अच्छा अच्छा, पेशाब लगी है, ऐसा बोलिए ना, हमें भी चलना है वहाँ। वैसे भी ये दोनों खोपड़ी खा रही हैं, चलिए हम लोग चलते हैं, चलते हैं साथ में। अरे रे, अरे साहब, वहाँ आदमी घुसने की जगह नहीं है, इतना बड़ा बैग कहाँ ठूसेंगे? वहाँ यहीं रख दो। दीजिए ना, हम रखेंगे। रख दो यहाँ, बहुत भीड़ होगी वहाँ, कीचड़ पीचड़। सुनिए ना, दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। आइए। बस अभी आया। अरे जल्दी बाहर आओ। आ जाओ सर, आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ। अरे 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 यार, अरे बिल्कुल आओ। चलो बस, 5 मिनट में बाहर निकलने वाले, चलो बस। अबे 10 मिनट हो गए, जाके देखता हूँ। मैडम चाय चाहिए? चाय चाय चाय। ए भाई इधर आ। यहाँ पे दो लड़कियां और एक बैग था ना? एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें बैठ के गए वो लोग। गए? हाँ। किधर गए? इस तरफ। इस तरफ? हाँ। अबे 10 मिनट हो गए, और कितनी देर लगाएगा? मिनट हो गए, पता नहीं क्या कर रहा है। दुनिया में 90% से ज्यादा लोग बेवकूफ होते हैं, बस बनाने वाला आना चाहिए